मेरी मम्मी को कहीं जाना होता है इस शहर से दूसरे शहर, तो मैं एसी की टिकट्स उनको हमेशा देने लगा था, और वो मेरे को खूब गालियाँ बके कि साहब हम तो जनरल में घूमते थे। मैंने कहा इसीलिए तो कि मेरी आज तरक्की हो गई है तो मैं आपको अच्छी जगह पे घुमाऊं। अरे हाँ कि ना, तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आप इतना भी नहीं करेंगे क्या? चलिए, कुछ होमवर्क दिया था क्या? कोई होमवर्क नहीं था, ओके। क्या चीज आखिरी चीज पढ़ी थी अपन ने? क्या चीज आखिरी चीज पढ़ी थी? कुछ एसएमएस मिला क्या आप लोगों को? मिल गया, मिल गया, पेरेंट्स को मिला होगा। मैंने अभी 4:30 पे करवाया कल की क्लास का। और आखिरी चीज क्या पढ़ी थी बच्चा? हाँ, कौन ने पुकारा, हेडिंग डाल के क्या क्या पढ़ा अपन ने? अच्छा, बस वो 3 फिगर बनाए होंगे और उसके बाद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को समझा है ना। अच्छा, m की वैल्यू निकाल दी है ना, ठीक है। अब लिखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। भैया फ्री है क्या? आज मैं एक बच्चे से आपको और मिलवा दूं, दिव्यांश महेश्वरी IIT रुड़की। लड़की नहीं तुम्हें, रुड़की भाई। अरे यस, मगर आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है आपकी क्लास के, तो बाकी लोग फिर वीडियो से देखेंगे उसकी बात। मैं उसको अंदर भेज रहा हूँ और मैं बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि ये बच्चे लोग क्या मेरी उपस्थिति में सही से बोल नहीं पाते। जैसे हिमांशु शुक्ला से आपकी मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? तो मैं नाइट स्टडी का विरोधी हूँ और वो कहने लगा कि नाइट स्टडी ही करनी चाहिए, तो इसलिए मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ। दिव्यांश भैया जल्दी आओ, दिव्यांश तुम सूर्यांश आगे आ गए। वो दिव्यांश है, ये सूर्यांश है, इनके भाई का नाम दीपांश है। ये सब अंश अंश है, पार्टिकल। हाँ भैया आओ, दीदी आगे आ जाओ। ये इनकी छोटी बहन है, 12th क्लास में मेडिकल की तैयारी कर रही है। बैठो बैठो। अरे आज लगभग एब्सेंट है 1/3। खड़े रह के बोलना। हाँ, तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अभी 11th के पेपर आने वाले हैं। चलिए, मेरा मतलब क्या है, मैं अभी रुड़की में हूँ, ठीक है, दिव्यांश, और मैंने सिर्फ ये सोच के पढ़ाई करी थी कि अगर मान लो कि नहीं हुआ IIT में, ठीक है, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सबसे बड़ी बात रिलेटिव क्या सोचेंगे, ठीक है, ठीक है। थोड़ा हमें भी लगता है अंदर से, नहीं हुआ तो यार बुरा लगेगा, किसी बेकार सी जगह पहुंच जाएंगे। और सही में IIT कॉलेज बहुत अच्छा है, कोई भी IIT सही में बहुत अच्छा है। एक बार पहुंच जाओ फिर खुद ही देख लेना, ठीक है। तो सिर्फ मैंने ये सोच के पढ़ाई करी थी कि नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इसीलिए मेहनत कर ली कि वहाँ पहुँच जाए, कोई रिग्रेट बचेगा ही नहीं लाइफ में, प्लेसमेंट जो भी सब, ठीक है। और फिर किसी को कुछ भी पूछना है IIT के बारे में, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, पूछ लो पूछ लो, बोलो बोलो, कोई नहीं। मैंने ड्रॉप लिया था, तो फिर 12th में मैंने रेगुलरली अटेंड किया था, तो अच्छे से कवर कर लिया था मैंने, ठीक है। तो 12th में अच्छे से कवर कर लिया था कॉन्सेप्ट्स मेरे, 12th में मैंने बैठ के 11th 12th दोनों के बनाए थे, इस पर ध्यान मत देना। हाँ बताओ, पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम लोग अभी सॉल्व कर रहे हो तो इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि तुम कितनी स्पीड में कर रहे हो सॉल्व, ठीक है। अभी तुम सिर्फ क्वेश्चन करो कि तुम पे क्वेश्चन बनना चाहिए, वो अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीड बढ़ा सकते हैं बाद में, अभी क्वेश्चन करो, क्योंकि तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तुम्हारा दिमाग उस तरीके से डेवलप होगा कि तुम इधर से भी सोच सकते हो क्वेश्चन को, है ना। अभी इस चीज़ में डेवलप करो अपना ब्रेन, इतना मत सोचो कि अभी इतनी देर लग रही है, अभी उतनी देर लग रही है, वो बाद में तुम स्पीड बढ़ाना, क्योंकि फिर तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम किसी क्वेश्चन को देखोगे 3-4 तरीके हैं ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, है ना।
फिर आएगा आइडिया कि इधर से सोचा नहीं हुआ, इधर से सोचा हाँ हो गया। ठीक है, तो अभी इतना टेंस मत हो उस चीज़ पे। और कुछ नहीं, मेरा डमी नहीं था, मेरा सेंट जोसेफ था स्कूल। ठीक है, मैं रेगुलर स्टूडेंट था, मेरी 100% अटेंडेंस भी थी 11 12 दोनों में। वहीं से हो सेंट जोसेफ? हाँ हो सकता है। मैं मतलब सही में वहाँ स्कूल में अच्छे से रहता था, बहुत डिसेंट लड़का था मैं। और वैसे सेंट जोसेफ के टीचर्स मेरे को अच्छे लगे। जब मैंने पहली बार मेंस दिया था, मैं स्कूल के नोट्स पढ़ के गया था। उनकी बात नहीं करनी चाहिए। और कुछ पूछना है पूछ लो, कोई भी डाउट हो पूछ लो यार। नहीं, उस टाइम मेरी रैंक नहीं बनी थी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं पेपर में सो के आया था। ठीक है, तब तो तबीयत खराब थी इसीलिए मैं उतना उस बारे में सोचता नहीं। हाँ ठीक है, फिर ड्रॉप लेने के बाद मैंने पेपर अच्छे से दिया था, लेकिन पेपर देते टाइम ये मत सोचा करो कि कैसा जाएगा, उस टाइम नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल। बस जो क्वेश्चन बन रहा है आराम से सॉल्व करो, ओपन माइंडेडली। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, होगा नहीं होगा देखा जाएगा। ठीक है, टेंशन पहले लो बाद में लो, पेपर के टाइम मत लो वरना वाट लग जाएगी पेपर में। ठीक है, और कुछ? मेरी ब्रांच इतनी अच्छी है नहीं, और इंडिया में स्कोप है भी नहीं इस ब्रांच का, बायोटेक। ठीक है, कोई स्कोप नहीं है। 5 5 7 साल बाद कोई एक जॉब निकलती है। ठीक है, तो ठीक है मेरी रैंक कम है लेकिन मेहनत करो तुम लोग। ठीक है, फिर भी आईआईटी में है वो नाम बदल जाता है, अलग ही बात हो जाती है। ठीक है, और कुछ? मेरे मेंस में थे मार्क्स 193। ठीक है, और मेरे जब इतने मार्क्स आए थे मैंने ये सोचा था कि यार ठीक है आईआईटी में नहीं होगा, एनआईटी में मिल जाएगा। ठीक है, सोचा था मैंने। फिर मेरी एनआईटी में जो रैंक आई थी वो थी 12,000 के आसपास, कुछ ढंग का नहीं मिलना था। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ के ऐसा भी हो सकता है कि मेंस में मार्क्स कम आए, लेकिन होप मत छोड़ना कि तुम्हारा एडवांस में नहीं होगा। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके मेंस में कम आते हैं, मुझसे भी कम आते हैं, लेकिन रैंक मुझसे भी अच्छी आ सकती है उनकी। ठीक है, तो ये कुछ डिपेंड नहीं करता उस पर। और एनआईटी फिर जाने का मेरा मन ही नहीं था जब मेरे को आईआईटी मिल रहा था। छोड़ो ना, मेरी रैंक पे मतलब अच्छी ब्रांचेस भी थी, लेकिन फिर आईआईटी बदल जाती। शायद गोवा में मेरे को सीएस या इलेक्ट्रिकल ईसी मिल जाता आराम से। मेरा दोस्त आज भी बता रहा था आईएसएम में मेरे को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल रहा है, लेकिन मैं नहीं गया था, मैंने कॉलेज प्रेफर कर लिया इसीलिए। और कुछ? कोई भी डाउट हो पूछ लो। उसके लिए बस रुड़की में रूल अलग है, बाकी जगह ऐसा है कि 1 साल बाद आपकी जो सीजी बनेगी उस बेसिस पे चेंज होगी ब्रांच। ठीक है, उसके लिए एक रूल ये होता है कि आप टॉप में होने चाहिए हो, अपने ब्रांच के टॉप में, और जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हो उसका जो क्राइटेरिया है वो क्लियर होना चाहिए, और उस ब्रांच में जगह होनी चाहिए। ठीक है, रुड़की में ये फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही हो जाता है। ठीक है, बस ये रूल डिफरेंट है कि हाँ फर्स्ट सेमेस्टर के बाद चेंज हो जाती है ब्रांच, और बाकी जगह 1 ईयर के। और कोई डाउट है? तीनों तो अब एक दिन में नहीं हो पाएंगे, मतलब तुम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करो उसे अच्छे से करो। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें मतलब एक दिन में तीनों टॉपिक का कुछ ना कुछ करना है, ऐसा मत सोचो। बस ढंग से पढ़ो कि अगर मान लो कि तुम्हें इस डेट तक इतना कंप्लीट करना है, तो इतना लोड मत लो कि रोज़ मैं तीनों करूँ, जिस दिन जो मन हो रहा है वो करो, लेकिन करो बस आराम से। और मतलब टेंशन में नहीं कि लगे हुए हैं मन नहीं हो रहा कर रहे हैं, दिमाग दर्द देता है उससे, और कुछ नहीं। और कुछ पूछना है? हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स को देता था यार टाइम तो, क्योंकि मैथ्स में 100 यार, तुम लोगों को ऐसे बताना नहीं चाहिए, तुम लोग अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, मेरी आदत बहुत गंदी थी, मैं मैथ्स पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता था, सॉल्व नहीं करता था, लेकिन मैं क्लास में बैठ के सॉल्व करता था शीट्स अच्छे से, घर पे लेट गए पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो मत करना, तुम लोग प्रैक्टिस करना, उससे स्पीड अच्छी होती है, सही में अच्छी होती है, वो स्पीड वाली चीज़ भी आ जाती है। फिज़िक्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, मैंने जब ड्रॉप लिया था तो पूरे साल मेहनत करता था क्लास में, शुरुआत में घर पे भी करी थी,
फिर सिर्फ क्लास में ही, और आखिरी के दिनों में फॉर्मूले और रिवाइज करके चला गया था, तो किस्मत अच्छी थी फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आ गए थे दो तीन, बाकी फिर इतनी भी टफ नहीं आती कि तुमसे बिल्कुल ना बने। इतनी तो आती है फिजिक्स के बन जाएगा, इंडिविजुअल कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे 30 के आसपास 25 के आसपास, है ना, मतलब बिल्कुल गिरी से गिरी हालत में, ठीक है। और कुछ का ये डाउट हो सकता है कि हम फिजिक्स छोड़ दें, कि फिजिक्स पसंद नहीं है, केमिस्ट्री और मैथ्स में तो फोड़ देंगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? इलेवेंथ में मैं राठी जाता था, पढ़ता नहीं था लेकिन सिर्फ जाता था, और इसीलिए मेरी बिगड़ गई फिजिक्स, वहीं से बिगड़ना चालू हुई। केमिस्ट्री तो ठीक है, थोड़ी रिलेटेड है इलेवेंथ ट्वेल्थ की, तो नियरली कंप्लीट हो गई थी। राठी में बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है, केमिस्ट्री के तो थोड़े बहुत पैकेज कर लेता था मैं, और फिजिक्स तो मैं कुछ करता नहीं था। फिर ड्रॉप जब लिया तो एच सी वर्मा ज़रूर करी थी फिजिक्स के लिए, और केमिस्ट्री मैंने सिर्फ पैकेजेस सॉल्व किए थे, सर ने हमें एक बुक भी बताई थी, मेरा मन नहीं था, मैंने नहीं ली, मैंने सिर्फ पैकेज किया था। कोचिंग में फिर जी जाता था, ड्रॉप ड्रॉप ईयर में, इलेवेंथ में मैं राठी जाता था फिर छोड़ दी, फिर ट्वेल्थ में इंडिविजुअल जाता था, मैथ्स यहाँ, केमिस्ट्री अयूब सर के यहाँ, और फिजिक्स नवीन सर के यहाँ, और फिर ड्रॉप ईयर में फिर जी गया था मैं। और कोई? अभी तो मतलब ऐसा रखो कि जो अभी तो ये भी होता है कि जो टर्म टू के बाद जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा आते हैं पेपर में, बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ ये मैं अभी, मतलब स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अभी टर्म टू के बाद के सब्जेक्ट्स को पहले प्रेफरेंस दो, और साइड बाय साइड धीरे धीरे पुराने टॉपिक्स को क्लियर करते जाओ, कि उठाया टॉपिक ठीक है वो थोड़े धीरे धीरे करते जा रहे हैं कि वो क्लियर होता जाए कॉन्सेप्ट, ऐसा कर लो अभी, है ना। और फिर जैसे जब इलेवेंथ के पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तुम्हारी सिर्फ कोचिंग चलेगी, स्कूल बंद होंगे, कितना टाइम मिलेगा, शायद 1 महीना करीब मिलता है, आधा 1 महीना, उसमें कवर कर लेना वो, है ना, क्योंकि उस टाइम कोचिंग उतने अच्छे से नहीं चल रही होती है, धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स बताए जाते हैं, तो उस टाइम कवर कर सकते हो तुम लोग वो टॉपिक। यार ऐसे तो मैंने नहीं करी तैयारी सही में, तो मैं उस तरीके से बता भी नहीं सकता। वैसे हमारे एक प्रोफेसर ने बताया कि दिन में बस तुम 10 क्वेश्चन करो, और अगर तुम पूरे साल 10 10 10 10 करोगे तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और उसमें बस टाइम की चिंता मत करो कि कितनी देर लग रही है ना। और जैसे अगर तुम कोई कौन सी बुक है वो 36 ही है, 36 37 जो भी है, हाँ ठीक है 39 हो गई है, वो हमारे टाइम पे 36 थी, ठीक है। तो उसमें जब क्वेश्चन कोई सॉल्व करो ना, तो ऐसे मत करो कि सॉल्व किया नहीं बना, देखा सॉल्व किया छोड़ दिया, जब तुम अगर सोल्यूशन देख रहे हो उसका तो थोड़े उसके आसपास की चीज़ें और देख लो, क्योंकि तुम्हारा उससे रिलेटेड थोड़ा और टॉपिक देखोगे तो वो नियरली पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा तुम्हारा, है ना, वही और बढ़िया रहेगा, तुम्हारे टॉपिक ऐसे भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछ? मैंने सिर्फ मोस्टली पैकेजेस ही किए हैं, सर के भी मैंने एग्जैक्टली पैकेज नहीं किए हैं, जो एंड में शॉर्ट ट्रिक शीट्स थी वो ज़्यादा किए हैं, हाँ ठीक है, पैकेजेस नहीं करता था मैं, सर जो बुक एक जी बर्मन, हाँ वो ज़रूर मैंने लिमिट्स के लिए अच्छे से करी थी, उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन है, और वो अच्छी बुक्स हैं, और बाकी पैकेजेस जो शीट्स दे रहे हैं स्पेशल शीट्स वो ज़रूर करना, उसमें मतलब अच्छे क्वेश्चन है, उन्हें जब सॉल्व करते हैं अंदर से बहुत अच्छी सी खुशी मिलती है कि यार सॉल्व हो गया, और कॉन्सेप्ट उसके अच्छे होते हैं वैसे। और कुछ? IIT रुड़की अच्छा है, और उसकी मेन बिल्डिंग का बहुत क्रेज़ है, मेन बिल्डिंग है ना उसका बहुत क्रेज़ है, और सही में अच्छा भी है, वो छोटी सी जगह में है लेकिन फिर भी अच्छा है, ग्रीनरी है पूरी। और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन रुड़की के बारे में? ठीक है, वहाँ उस टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्पोर्ट्स या कोडिंग में इंटरेस्ट है, वहाँ कोडिंग कल्चर अच्छा है वैसे। रैगिंग की इतनी जल्दी क्या चिंता कर रहे हो? अरे नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम टॉर्चर फील करो, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल रैगिंग, मतलब नाम पूछ लिया, हॉबी क्या है, सिंगिंग, अच्छा गाना सुना दो,
डांस पसंद है, डांस कर दो बस, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ से कोई क्वेश्चन था ना? ठीक है, थोड़ा सा लगा था कि अगर पहले से होते, पहले से मतलब पहले 1 महीने मैंने बहुत मेहनत करी थी जब फिरजी ज्वाइन किया था, तो मैं सोच रहा था कि अगर मैंने पहले फिरजी ज्वाइन करी होती, लेकिन फिर मैंने ये सोचा मैथ्स शायद उतनी अच्छी नहीं हो पाती। फिर 11th में जब झटका लगा तब मैं सीधे सुहाग सर के पास आया था, बोल रहे थे चलो अब अकल आई, ये सर का पहला डायलॉग था, देखते ही गलत जगह चला गया। राठी R1 में जब पढ़ाते थे सर का ये डायलॉग होता था, दो मकान छोड़ के जो कोचिंग है उसके यहाँ जाता था ये लड़का। और कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिजिक्स की NCERT उतनी खास है नहीं, बीच में क्या होता है मतलब उसके क्वेश्चंस कर लो वो ठीक है, जब थ्योरी पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसमें बीच में बहुत फोकट पने का घुमाया जाता है इधर उधर, बस वो चीज़ ध्यान रख के पढ़ना, वरना वो टाइम वेस्ट करता है उल्टा तुम्हारा। ठीक है, जो काम काम की चीज़ है वो अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चंस हैं उसके ठीक है ना, और एंड में जो एडिशनल एक्सरसाइज करके दी होती है उसके क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं। नहीं, वो सही डिसीजन था मेरा, मेरा 12th में अच्छे मार्क्स आ गए थे इसीलिए। ठीक है, मेंस में भी हो गया था, उतने अच्छे से तैयारी तो नहीं करी थी, फिर ड्रॉप ईयर में जरूर मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी ढंग से। और कुछ? मैंने सिंगेज नहीं करी है, मैंने सिर्फ ये सुना है कि बहुत लेंदी है, जैसे मैथ्स में क्या एक ही कॉन्सेप्ट पे 1000 क्वेश्चन है, तो बताओ किसको मज़ा आता है ये करने में? तुम इससे अच्छा 50 क्वेश्चन करो, सिर्फ 50 अलग अलग कॉन्सेप्ट के, तुम्हारे कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और तुम सिंगेज में एक ही कॉन्सेप्ट के 1000 क्वेश्चन कर लो और तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं, नहीं बता रहा हूँ मैं, सही में बता रहा हूँ। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, पूछना है तो पूछ लो यार। अरे यार वीडियो में किसको आना है। अच्छा बताओ, कोई और कुछ और पूछना है तो पूछ लो जल्दी, ऐसा तो कभी नहीं। मतलब 9th 10th में तो ठीक था मैं, 9th में मेरा कुछ 9 CGPA था। ठीक है, 10th में भी मैं सहायता से आता था, पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं करी, एंड में जब मेहनत करी थी मैंने, सुहाग सर से मैथ्स पढ़ लिया था तो 10th सुधर गया था, लेकिन फिर मेरे को मैथ्स पसंद आ गई थी। 11th में फिर क्या राठी पहुंच गया, मस्ती करी बिगड़ गया, वहीं से फिजिक्स केमिस्ट्री खराब, फिजिक्स तो सही में खराब। फिर 12th में मैथ्स यहाँ बैठ के सुधारी, 12th में थोड़ी बहुत मेहनत करी पूरे साल, फिर आखिरी के 2-3 महीने मैंने सही में फोड़ दिया, बहुत मेहनत करी। किस में? नहीं, तीनों सब्जेक्ट में, तीनों क्या पांच पांच सब्जेक्ट होते हैं, मेरा IP था, कोडिंग में इंटरेस्ट था, तो 2 घंटे पढ़ के हो गया था उसका, तो उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने सही में मेहनत करी थी 12th के टाइम। अरे भैया छोड़ देना, IP सरस्वती पब्लिकेशन की है। हाँ हो जाएगा पक्का, नेटबीन्स MySQL है ना, हाँ हो जाएगा। हम मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूँ बस। वहाँ एक बार IIT पहुँचो तो वहाँ सब कुछ है, तुम्हें फुटबॉल का अलग ग्राउंड मिलेगा, क्रिकेट का अलग, ओलंपिक लेवल का स्विमिंग पूल है वहाँ, सब है, बस तुम यही सोच के मेहनत करो कि यार इतनी अच्छी जगह है हम क्यों नहीं जा सकते, मेहनत करो पहुँच जाओ, है ना? और मेहनत करोगे तो कौन छीन ले जाएगा तुमसे IIT, तुम बैठे होगे वहीं, सोच के देखो बस, एक बार सोचना ही तो है, एक बार वहां पहुंच गए तो क्या होगा फिर, तो बस मेहनत करो पहुंच जाओ। और कुछ पूछ? ये तो अभी बिल्कुल मत पूछो, ये बाद की बात है, ये बाद में पूछने वाली बात है, अभी तो बस वहां पहुंचने के लिए मेहनत करो, है ना? क्योंकि वहाँ एग्जैक्टली प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ लेक्चर लेंगे कि ये टॉपिक है, इसका ये बैकग्राउंड है, फिर बाकी तुम्हें खुद ही उसमें एक्सप्लोर करना है, तो पढ़ाई होती है वहाँ। ठीक है, वहाँ इतनी लेंदी और इतनी डिफिकल्ट पढ़ाई नहीं होती। मेरे 94% थे 12th में। और बोर्ड में भी मैं मैथ्स पढ़ के गया था। और कुछ पूछना है तो पूछ लो।
वो तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा दिमाग कब तेज चलता है, कब तुम्हारे ब्रेन की गैस्पिंग पावर बेस्ट है, उस टाइम पे पढ़ो। और बताओ, और कोई डाउट है? क्या हुआ? ये फोकट की बकवास मत करो, अभी कुछ काम का ही पूछ लो। सर बाहर ही हैं घंटे, तो पता नहीं, मतलब ऐसे बैठ के घंटे पे मत बेसिस रहो। तुम खुद को पहचानो तो पहले कि तुम कितनी देर पढ़ लो कि तुम्हारा हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, मेरे को पता था मैं धीरे पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं स्लो पढ़ता हूँ, तो मैं आराम आराम से पढ़ता था। एक टॉपिक एक लाइन चार बार पढ़ी, लेकिन चार बार पढ़ने के बाद दिमाग में बैठ गई के होता है, तो वो बात है। कुछ लोग एक बार पढ़ा सब याद, तूने कमर्स पढ़ने पड़ता है, ठीक है ना? और कोई? थोड़ी देर नहीं, मेरे को भी घर जाना है, मम्मी वेट कर रही है। सर नहीं, वो मतलब मैं इंद्रपुरी में ही पढ़ता था, तो वहाँ की कोचिंग का सेट था कि TTS और MWF में क्या टाइमिंग रखेंगे अलग अलग ट्यूशंस का। नहीं होती थी, वो उन लोगों ने मतलब बना के रखा था कि ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। सेल्फ स्टडी मतलब कम से कम इतना तो कर लो कि उस टॉपिक से रिलेटेड तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो अच्छे से, है ना, और उस टॉपिक को समझ लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और जैसे अगर कोई डाउट है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट डे पूछ लो जाके कि सर ये चीज़ कल संडे। सर ये हमारे टाइम पे भी रखना था, हम भी आते। वो मतलब सही में इम्पोर्टेंट, हाँ वो तो है, इंडिविजुअल कट ऑफ होता है तो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट करने हैं। और 39 ईयर सही में यूज़फुल तो है, जो मैंने बताया, जब तुम सॉल्व करो तो साथ में उसके साथ वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे तुम्हारा लगभग, तुमने अगर सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तुम लगे हुए कि कर लें यार कर लें, बन गया तो तुम्हारे और कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। और मैंने भी सॉल्व करी है मेरी, अभी भी फिज़िक्स मैंने उतनी नहीं करी थी, फिज़िक्स कम करी थी, लेकिन मेरी किताबें चिटी पड़ी हैं, खूब सॉल्व किया था वो, ठीक है, वो अच्छी किताब है और करनी भी चाहिए। और कुछ पूछना है? मतलब मैं मतलब रेगुलर जाता था, मैं क्लास में भी ध्यान दे देता था, तो मेरी मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लास में हो जाती थी। अब उनके लिए फिर तुम कोचिंग बना लो अपना स्कूल, है ना, अगर स्कूल बकवास है टीचर्स बकवास हैं, जब तुम्हें अंदर से पता ही है, तो तुम कोचिंग में टीचर्स की बात मान लो। तो फिर स्कूल जाके करते क्या हो? नहीं स्कूल बकवास है तो जाके क्या करते हो वहाँ? तो पीछे बैठ के पढ़ लिया करो अपना यार, ये अजीब है। वो मतलब अपने जो अभी नए टॉपिक चल रहे हैं उन्हें करते जाओ, और साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा टाइम दो पुराने टॉपिक्स को। अरे नहीं हो पाए तो फिर गैप ढूंढो ना तुम, कि एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम हो गए, अभी तुम फ्री हो तो तब कर लिया। हाँ हाँ तो तब करो। हाँ वो तो कोचिंग में कराएंगे ही, शांत हो जाओ प्लीज़। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब पढ़ाते तो सब में अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन बस तुम्हें अपनी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम पीछे के बैच में हो तो अपनी तरह से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रमज़ान सर हैं एक केमिस्ट्री के, मैथ्स के दो प्रोफेसर हैं, एक अरुण खरे सर, वो सुहाग सर के टीचर हैं, ठीक है, और एक कौन, और एक पंकज प्रसबोला फिजिक्स, पंकज प्रसबोला, उनके पढ़ाने का तरीका पसंद है मेरे को। शांत हो जाओ, तू पढ़ो नोट से करो, HC वर्मा कर लो फिजिक्स की। कौन कौन से प्रोफेसर हैं? हाँ अच्छा, बॉन्ड की क्लास मेरे को आज तक समझ में नहीं आई ढंग से, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, इसीलिए सब बर्बाद है। हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ सर क्या बताऊँ, बार बार डाउट पूछने लगते हैं, क्लास ख़त्म करनी हो ना। हाँ मतलब थोड़ी रहती है क्वालिटी टीचर्स की बैच के अकॉर्डिंग, लेकिन तुम्हें कोप अप करना पड़ेगा उसमें।
है ना, मतलब कोई प्रोफेसर बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा है तो तुम फिर भी बोल सकते हो एक बार को सर ढंग से तो पढ़ाई है ना। वो बाकी तुम्हें फिर अपने से मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ पूछना है? न अब इतना याद नहीं है, 12th के टाइम किया था सर ने, वो बोला था कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के मेरे फ़ोन पे मिस कॉल देना, है ना। तो नियरली 1.5 महीने मैंने किया था लगातार। कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है वो ऑब्वियस है। और कोई डाउट है? चलो ठीक है, फिर अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अटेंडेंस लग रही ना? क्या लिखा अपन ने? डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स लिखिए साहब। ऐसा लिखिए, किसी भी कर्व पर हमें पॉइंट पता चले और हमें उसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी हो, यानी हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम हो। टेंजेंट हमें फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन से मिल जाएगी। एक बार पढ़ के देखो मैंने क्या कहा, मन में मैंने क्या लिखा, पढ़ा आपने? तो सुनिए, ऐसा लिखिए, कर्व की इक्वेशन में फॉलोइंग चेंजेस करेंगे यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है, ब्रैकेट में x1 y1 है। सुनिए, एक्स स्क्वायर की जगह x x1, वाई स्क्वायर की जगह y y1, एक्स की जगह x+x1/2, y की जगह y+y1/2, x * y की जगह x y1+y x1/2। स्टार लगा के लिखो, अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। लिखो साहब, यह पहचानना बहुत जरूरी है कि पॉइंट कर्व पर है कि नहीं। ऐसा पहचानने के लिए हम उस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में LHS में रखेंगे और यदि हमें RHS मिले तो सही है। देखते हैं, लिखिए, फाइंड द टेंजेंट पासिंग थ्रू एंड चेस द कर्व। डन मालिक, डन। हाँ, थैंक यू थैंक यू। वो रेड बुक ले जाना सिस्टर के लिए। एक बार बच्चे पहले क्या चेक करेंगे अपन, इस पॉइंट को RHS में रख के देखो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कर रहा है तो बस। एक्स स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 2.x, वाई स्क्वायर की जगह रख देंगे -3.y, एक्स की जगह x+2/2, वाई की जगह y-3/2, और फिर उसको सॉल्व कीजिए। मतलब पहले ऐसा लिखो कि हमने पॉइंट चेक किया, सेटिस्फाई कर रहा है, फिर लिखो नाउ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइंग। एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे x.2, वाई स्क्वायर की जगह ऐसा x+2/2, वाई की जगह ऐसा। यस, तो ये हो गया 2x-3y-3x-6। अरे इस किस्मत से 2 कट गया, नहीं तो बहुत परेशान करता है ना। ये ही आई क्या? कितने लोगों की आई? अब आप ये टेंजेंट है कि नहीं कैसे पता करोगे? आप घर में चेक लगाना, इसका सेंटर क्या है, माइनस प्लस का 3, और रेडियस कितनी है, कितना? ठीक, आप तो इसके सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल के देख लेना
रूट फाइव आएगा, बात खत्म, हेंस प्रूव्ड। और यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, यह पॉइंट इसको भी कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट से दोनों कर्व गुजर रहे हैं और परपेंडिकुलर डालने पर रेडियस के बराबर आ रहा है, मतलब बात खत्म हो गई। ये सर्कल है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब ये मैंने आपको इतने सुकून और सब्र के साथ इसीलिए पढ़ाया कि बच्चा गलती यहां करता है। अभी बाहर दो बच्चे खड़े थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमने हमारी कोचिंग जाना बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं जाओ, सारे टीचर कुछ ना कुछ काम का पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, छुट्टी मत करो। तो मालूम उनका स्टेटमेंट क्या था कि परसों कल संडे को टेस्ट है, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो टीचर ने हाथ में बुक पकड़ी, ये तो आता है ना, ये तो आता है ना, और धड़ 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 पन्ने पलट दिए और उनका जो टॉप बैच है उसमें सिलेबस करवाने की उनको जरूरत ही नहीं है, और हमारा जो एवरेज बैच है उसमें वो करवाते नहीं है। ये सब बुरे आलम है। अब वो बच्चों को मैं क्या सलाह दूं कि तुम जाओ कि नहीं जाओ। मैथ्स में यहां ईमानदारी से पढ़ते हैं, वो बार बार क्या कोचिंग का नाम लूं। मिलवा सकता हूं, बाहर बैठे होंगे वो लोग। ऐश्वर्या नाम की बच्ची है और एक लड़का है। तो आप लोग ये जो मैंने इंपोर्टेंट करके एकदम स्लो होके पढ़ाया है, मतलब वो ज्यादा काम का है, गलती होने के चांस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नहीं, ये अपन ने क्या सीखा, कार्टेशियन फॉर्म। इसका नाम क्या, ऊपर जाके नाम डालो इसका। अपन ने लिखा ना डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, वहां लिखो कार्टेशियन फॉर्म, ज्यामितीय रूप, निर्देशांक रूप। अरे यस, डन बच्चा। अब लिखो आगे, अब लिखो पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर दो। ऐसा बोलो कि इफ सेंटर इज माइनस जी कोमा माइनस एफ, ऐसा लिखे, इफ सेंटर इज माइनस जी कोमा माइनस एफ एंड रेडियस इज आर, एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अरे हाँ हाँ, इसकी इक्वेशन क्या, और आर बराबर क्या होता है, और जी और एफ तो तुम्हें मालूम ही है ना, 5397 कुछ होगा, तुम्हें कांस्टेंट भी मालूम है। इसका मतलब तुम क्या निकाल लोगे, इसका मतलब ये हो गया 5 + 2 cos θ, 7 + 2 sin θ, और इसकी इक्वेशन कैसे मिलेगी, हम क्या अप्लाई करेंगे, ये कौन है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, एक्स वन ये वाला, फिर वाई स्क्वायर की जगह, पिक्चर क्लियर, लिखे जल्दी फटाफट। हाँ बच्चा बोलो 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 बोलो, एब्सेंट रहे होगे आप जब मैंने पैरामेट्रिक पढ़ाया था, फिर मैं तो डायरेक्ट ही लिखूंगा ना, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं, अरे मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं। अब लिखिए इफ सेंटर इज जीरो एंड रेडियस इज आर, सेंटर इज ओरिजिन जीरो जीरो एंड रेडियस इज आर, तो जीरो प्लस आर कॉस थीटा, जीरो प्लस साइन थीटा की जगह फाइव लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो गया, आर कॉस फाइव प्लस सॉरी कॉमा आर साइन। अच्छा, इसकी ब्यूटीफुल इक्वेशन, इसकी इक्वेशन में इसको छेड़छाड़ कर दूं, अरे हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, x डॉट x1 प्लस y डॉट y1 इज इक्वल टू क्या, और x1 y1 यही है, तो x डॉट r cos phi
प्लस वाई डॉट आर साइन फाई इज इक्वल टू क्या, तो एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई इज इक्वल टू क्या, याद करो ये कौन थी, आया याद आया, वो कौन है, इस पर डाला गया नॉर्मल एंगल कितना बनाएगा और सामने वाला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और उसी समय मैंने बोल दिया था कि ये सर्कल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आया आया बात आई समझ में दादा, व्यवस्थित सुंदरता के साथ लिखिए। शीट 4 मिली आप लोगों को स्कूल लेवल वाली, कितों को नहीं मिली शीट 4 स्कूल लेवल इंग्लिश मीडियम। अच्छा परसों बांट दी थी है ना, ट्वेल्थ में नहीं बटी थी, बाहर हाथ उठाओ कितों को नहीं मिली, बाहर से चार ले आओ, डन मालिक डन। अब लिखिए स्लोप फॉर्म, लिखिए स्लोप फॉर्म, ऐसा लिखिए हमें सर्कल की इक्वेशन दी होगी और स्लोप दिया होगा, तो करके लिखिए सर्कल का सेंटर माइनस जी माइनस एफ हमें गिवन होगा, भाई इक्वेशन दी है न्यूमेरिकल फॉर्म में, और लाइन हम कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक, तो ये हुआ एम एक्स माइनस वन वाई प्लस सी बराबर जीरो। अरे हाँ इसकी आपको रेडियस भी मालूम होगी, तो ये 0.32 है मान लीजिए, ये 5 है मान लीजिए, और स्लोप उन्होंने 7 दिया है, तो 7x माइनस 1y प्लस सी, सेंटर क्या दिया, रेडियस कितनी दी है, स्लोप कितना दिया, और हमसे कह रहे हैं कि फाइंड टेंजेंट, तो हम सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, और हम सी निकाल लेंगे, सी की दो वैल्यूज आएंगी इसमें पुट करेंगे, दो लाइंस मिलेगी, दो लाइंस क्यों मिलेगी, पिछली क्लास में बताया था बताइए, हाँ फिर दूसरा फिगर बना के आप बता देंगे कि एक इधर और एक, लिखिए साहब स्लोप फॉर्म का मतलब है हमको स्लोप दिया है, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है कि टचिंग पॉइंट दिए, टचिंग पॉइंट सिर्फ पॉइंट नहीं बोलना, टचिंग पॉइंट दिया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया है, डन मालिक डन, मिटा दूं इसको। अब लिखिए नॉर्मल टू द सर्कल, ऐसा लिखिए सिर्फ सर्कल के मामले में सेंटर से जाने वाली लाइन सर्कल की नॉर्मल होती है, क्योंकि यह टेंजेंट पर नॉर्मल होती है, तो जब कभी हमसे सर्कल की नॉर्मल मांगे तो हमें वो लाइन चाहिए जो सेंटर से गुजरे, नॉर्मल मांगे मतलब हमें वो लाइन चाहिए जो सेंटर से गुजरे, सेंटर हमें दिया ही होगा और कोई जानकारी दी होगी, आसानी से नॉर्मल निकल जाएगा। एक क्वेश्चन कर दीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, फाइंड द नॉर्मल टू द सर्कल विच पासेस थ्रू 12,15। अब रुको रुको मेरी बात सुनो,
ये सर्कल की इक्वेशन दी है साहब आपको, आंखों देखा उसका सेंटर दिख रहा है भाई। मैंने आपसे क्या कहा, नॉर्मल कौन होता है? तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस माइनस का टू इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, ठीक है। अब यदि उन्होंने हमें स्लोप दिया होता कि स्लोप इज 32, यहां 32 रख देंगे, और उन्होंने हमको क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया 12.15, तो अब आप इस स्लोप की जगह क्या रख देंगे, 15 माइनस माइनस का 2 12 माइनस 3 स्लोप मिल गया, या कुछ और जानकारी दी होगी। कैसी जानकारी, विच हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ एक्सेस, तो उसका स्लोप क्या होता है। मेरे कुटिल तरीके से मुस्कुराने के बाद सही आंसर आया। उस समय याद करो, डबल इंटरसेप्ट हाईलाइट करके पढ़ाया था कि स्लोप इज माइनस वन, जबकि सारे बच्चे प्लस माइनस वन बोल रहे थे। आज अचानक पूछा सटाक से प्लस वन, ऐसे लोग हैं बताओ मेरी जिंदगी में है। और फिर जब मैंने घूर के देखा तो माइनस वन, फिर कुटिलता के साथ मुस्कुराया तो सबका माइनस वन। ऐसे में तुम्हें लगातार जरूरत है सुहाग का फोटो साथ में लेके घूमने की। क्या भाई, एग्जाम देने जा रहे हो, फोटो सामने रखो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, दिमाग में सोचो, फिर मुझे देखो। भाई चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन तो नहीं आ रहा है। अरे यस, लोग किसकी फोटो लेके घूमते हो जेब में, कि ना राक्षस की क्या। अटेंडेंस बच्चा हो भी गई, वापस भी आ गया रजिस्टर, हाथ उठाओ किसके पास नहीं पहुंचा। अरे ऐसा मत किया करो तुम लोग, ऊपर हेडिंग डेट वगैरह देख लेना। ये मिटा दूं बच्चा, मिटा दूं। आज सब लोग अटेंडेंस के इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, बाकी लोग क्या उस पर है क्या, बंक पे? ठीक है ठीक है, कल अपनी क्लास है, पैराबोला पढ़ाया जाएगा 1:30 से 6:30 उधर वाली बिल्डिंग में, ठीक है। यस, सभी लोग आइएगा जिससे कि पैराबोला एक प्रकार से जल्दी खत्म हो जाए। और स्टार्ट कहाँ से करवाने को बोला था, कौन सा काटना का एक्सप्लेनेशन कहना दे दो थोड़ा सा, क्योंकि स्कूल में वो पूछ सकते हैं कि कौन को किस एंगल पर हम काटें कि पैराबोला मिले, और किस एंगल पे काटें कि इलिप्स मिले। ऐसा मिटा दूं, इसको मिटा दूं। यदि वो बोले ना कि पहले स्टार्ट मेरे हिसाब से कर लो, तो कहना ठीक है, ब्रेक जब हो तो उसके बाद बता देना, क्योंकि वो डिपार्टमेंट पूरा अलग है, उसको पढ़ना जरूरी नहीं है पैराबोला पढ़ने के लिए, मगर पूरे कॉनिक के पहले शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। मिटा दूं, इसको मिटा दूं। अब एक प्यार भरा क्वेश्चन कर दीजिए साहब। अरे बिना टन टन टन, ये शीट में भेज रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक बैच की शीट 2, क्या संभाल के रखिएगा, कलेक्शन कीजिएगा, अपना नाम लिखते जाओ और डेट डालते जाओ आज की। यश गुप्ता भूल के गया है, हमने उसमें लिख भी लिया है, उसको ऐसे बांध के रख दिया, यश गुप्ता लिख दिया ऊपर। चलो ये बन रहा है क्या आपसे, लाओ दादा पहला क्वेश्चन करते हैं। सुनो बच्चा, अरे सुनो ना, देखो इधर, ओ हेलो हाय, अरे सुनो तो सुनो, सेंटर बोलो भाई, सेंटर। और पहले में क्या बोल रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी। क्या मैंने उस जमाने में क्या डायलॉग मारा था याद रखवाने, पार्टनर एक्सचेंज करके घूमने भेज दो क्या, के या लेमडा या सी, ठीक। अब इस पर परपेंडिकुलर डालो, इस सर्किल की रेडियस कितनी भाई, 3 निकाली सबने निकाली भाई, तो 3। हम 1, 2 से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4, मोड हटेगा तो प्लस माइनस 5 * 3 = 15, लेमड़े की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 15 - 10, तो लेमड़े की 2 वैल्यू, 5 और
एक बार यहां 5 रखेंगे तो एक आंसर, माइनस 25 रखेंगे तो दूसरी एक्चुअली यहां होगी. ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट. अब ये जो लाइन है वो ये लाइन कहीं होगी, ऐसी होगी ये लाइन, हमें नहीं मालूम. ये इसके कैसी थी, अब हमें इसके पैरेलल चाहिए. तो इसके पैरेलल ये हुई भाई, ये रही, लगभग अनुमानित है ना. तो इस पर भी परपेंडिकुलर डालेंगे, आर बराबर कितना, और पैरेलल है तो इक्वेशन पूरा पूरा सेम, 3x माइनस 4y प्लस क्या, उसमें लेमडा माना तो उसमें कुछ और मानना, नहीं तो दोनों सेम में अपन कंफ्यूज होते हैं. अब आप इसका k निकाल लोगे, दो आंसर आएंगे. कितने लोग कसम से 60% से ज्यादा सही दिशा में चल रहे थे, अच्छे से हाथ उठा. हेलो हाय, क्या हो गया भाई, काहे दीदी काहे नहीं कर रहे हो. दीदी अपन को जिपमर निकालना भूल जाते हो क्या, कौन सी एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ रहे हो, आईसर निकालना भाई, वैज्ञानिक बनते हैं उस एग्जाम से, है ना, करो जल्दी. और ये सब है सिलेबस में, 2D वगैरह, एक आध पेपर तो दिखाओ पुराना, तो मैं उसमें शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से लेवल सरल होगा. पता चला मैथ्स में फूल आ गए दीदी के. हाँ, कॉमर्स के बच्चे मुझसे पढ़े थे तो मैथ्स में 50 में से 49, बाकी उनके जो कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट और थे ना उसमें 50 में से 48 48 48. बच्चे का नाम आशु जैन. और अपने कॉमर्स के टीचर के पास मिठाई ले जाने के पहले वो मेरे पास मिठाई लेकर आया. ऑल इंडिया 4th रैंक CPT जून 2013 एग्जाम में. उसकी छोटी बहन आशी जैन इस समय 12th में है, मगर वो LLB की पढ़ाई कर रही है, LLB की तैयारी में, वकील बनेगी. वकील का फीमेल वर्जन क्या कहलाएगा, मिटा दो इसको, मिटा दो. अगला क्वेश्चन करेंगे, लीजिए साहब. एकदम सरल और सिंपल क्वेश्चन, अगला एक स्टेप में आंसर दे सकते हैं बच्चे, एकदम सटाक से आंसर, जल्दी करो. हमें पॉइंट दिया है और सर्कल की इक्वेशन दी है, सटाशट पुट कर दो उसको. ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था ना, जल्दी कीजिए. 8:00 बजने में 1-2 मिनट बचे, जल्दी आंसर निकाल दो. 7x प्लस 4y माइनस 2 से कट जाएगा, 3x प्लस 7 प्लस 2 से कट जाएगा 2y प्लस 4 माइनस 3 बराबर 0. जल्दी करो, ये आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद मैं कॉपी चेक करूंगा, उन्हीं की चेक करूंगा जिनको कल डिनर की इच्छा हो मेरे साथ, बाकी लोग चले जा. वो अधूरा घड़ा होता क्या होता उसका, वो सबसे पहले वो ही बड़बड़ाने जा रहा था, मैंने यूं करके रोक दिया. ये अब ये ऐसा कर रहे हैं, मतलब लवेश अग्रवाल, जिन्हें ये कहा जाए कि क्लास के अच्छे बच्चों में शुमार है, ये जो करे वो सबको करना चाहिए, मस्ट फॉलो लवेश अग्रवाल. वो एक्स स्क्वायर की जगह x.7 रख रहे हैं, उन्होंने ये चेक ही नहीं किया कि ये पॉइंट कर्व पे है कि बाहर. कितने लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते से ही, कसम खुदा की, भगवान की कसम, सुहाग की कसम, आपके रिश्तेदारों की कसम, चेक किया, हाथ उठा के रखना. क्या नाम दीदी का, अद्विति खांडेकर, सिद्धार्थ गुब्रेले, टाइडे, शुभम ठाकुर, यश गुप्ता. इस खुशी के मामले पे जाओ तुम, वो बुक ले आओ उनसे कि ना मेरे से खास क्वेश्चन बना और लवेश से नहीं बना, इस खुशी में सुहाग सर दे रहा है. बलभद्र दक्षिणी,
ऋषभ दास, दिव्यांश जैन, ठीक है भैया। थोड़ी देर पहले मैं बड़बड़ा रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखना, सब बच्चे गलती करते, तुम सोच रहे थे ये पगला वो ज्यादा ही बोलता है। आज के आज ही डेमो दे दिया क्या? यस, हम किसी से भी, मेरी मर्जी, हाँ उसको दे दो, उसने बहुत अच्छा काम किया इस समय, हम सामने वाले से हमारी मर्जी का काम करवा सकते, जबकि वो खुशी खुशी ये करके सोचेगा कि मैं खुद यही चाहता हूं। अरे यस, चलिए लख लख बधाई हो जिन्होंने सही दिशा में कदम रखा। अब तो आपको पता चल गया कि पुट करने पर पॉजिटिव आ रहा है, पुट करने पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर है, पॉइंट सर्कल के, हाँ पॉइंट सर्कल के बाहर, अंदर होता तो टेंजेंट ही नहीं खींच सकते। पॉइंट यदि अंदर है कर्व के तो आप टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर सकते। अब बाहर है तो कितनी टेंजेंट्स आएंगी? दो आएंगी। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने अधूरा लिखा है, जानबूझ के अधूरा लिखा है, यदि मैं पूरा लिख देता तो सबको पता चल जाता मालूम। अभी सब बच्चे कैसे कर रहे थे, ये मानकर कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया है, यदि मैं सेंटेंस लिख देता तो कान खड़े हो जाते कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है, इसका मतलब देखना कितना हुआ, यस मालिक। तो बच्चा इस लाइन की इक्वेशन क्या, यही मैंने सिखाया था स्लोप फॉर्म करके, तो y माइनस सेवन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस फोर, सेवन कॉमा फोर से जा रही है इसलिए, ठीक है। अब इसको अपन सुंदरता के साथ कैसे लिख लेंगे, लाहुल लाहुवत, खुदा खैर करे, तो बोलो क्या हो जाएगा, सही है, सही सही है। इस लाइन पर आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराइए तो P बराबर R, तो M डॉट थ्री माइनस वन डॉट माइनस टू प्लस फोर माइनस सेवन एम अपॉन एम स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, पूरा टू से कटने को तैयार है, देखना सही लिखा गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोलो बोलो ना, बोलते नहीं है तुम, स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस हट जाएगा ना भाई, कर दीजिए जल्दी से, एम निकाल दीजिए मेरे को, दिल की नजर से गोलू कलम चला ले, सब कुछ लिख ले, मैं मिटाऊंगा बोर्ड, ट्यूसडे की क्लास राइट टाइम 6:15 बजे स्टार्ट करूंगा, और एकदम शुरुआत में बहुत काम की चीज की जानकारी दूंगा, शायद रिकॉर्ड ना कर सकूं, तो उस दिन आप लोग राइट टाइम रहिएगा। मैं शॉर्ट ट्रिक बैच राइट टाइम छोड़ दूंगा, क्योंकि वो डिले होता है, उस चक्कर में आप डिले हो जाते हो। मिटा दूं, इसको मिटा दूं, एम की वैल्यू क्या आ गई, 5/12 आ गई, तो टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल दो, y माइनस फोर इज इक्वल टू, अरे यस, ओ एक टेंजेंट आ गई, अरे यस मालिक, ठीक है। कितने लोगों को कुछ गड़बड़ झाला लग रही है इसमें, हाथ उठाना है बस। एक ही दिन में दो झटके, हाथ उठा के रख हराम खोर, पड़ोसी को क्यों बता रहा, वेरी गुड, तीन लोगों के हाथ उठे, बहन बेटी हम किसी का हाथ, आयुषी दीदी बोलोगे तो बहुत खुशी होगी मुझे, एक ही एम निकला, हाँ गुप्ता जी तुम भी बोलो, हाँ एक स्लोप जीरो आएगा, एक स्लोप कितना आएगा, और एक स्लोप क्या आया, एक स्लोप आया 5/12, और एक स्लोप क्या आया
चुप तो रहो। हाँ दास साहब, एम कितना पढ़ाया था, और अभी अभी मैं पढ़ाया कई बार, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी पढ़ाया कि हाईएस्ट पावर आमने सामने कट जाए तो एक रूट का लॉस होता है वो इन्फिनिटी होता है, और एक्सप्लेन भी किया था कि एम माइनस फोर इज इक्वल टू एम प्लस सेवन, एम से एम कट गया तो एम माइनस फोर इज इक्वल टू एम प्लस सेवन। ऐसा कौन सा वैल्यू है एम का जिसमें से हम चार घटाएं चाहे उसमें सेवन जोड़ें उसको फर्क नहीं पड़ता। तो जवाब दिया था मैंने, बड़ा तालाब, उसमें से आप चार बाल्टी निकाल लो, एम माइनस फोर या एम प्लस सेवन, उसमें सात बाल्टी डाल दो, उसका नाम बड़ा तालाब ही रहता। हाईएस्ट पावर गायब हो जाए तो एम बराबर इन्फिनिटी, आमने सामने कॉमन होके एम कट रहा है तो कटने वाली चीज इज इक्वल टू जीरो। फोटो जरूरी है क्या? फोटो जरूरी है जेब में सुहाग का। एम बराबर इन्फिनिटी और एम बराबर क्या, 5/12। रुको, इसको मिटा दूं, पूरा मिटा दूं। एक काम की चीज बतानी है, फोटो मिटा दूं, एक दो तीन और ये माइनस टू, क्या ये थ्री माइनस टू है क्या, चेक कर लूं। रेडियस कितनी है सर्किल की, तो इस सेंटर से चार कदम दूर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और बोलो, तीन चार पांच छ सात, और इधर भी होगा, एक दूरी दो दूरी तीन दूरी चार दूरी, एक दो तीन चार, एक दो तीन और नहीं बे, यस, ये है तुहार सर्किल। है क्या, और वो पॉइंट कहाँ है, नंबर फोर, एक दो तीन चार, एक टेंजेंट वर्टिकल स्लोप इन्फिनिटी, यानी कि आप फिगर बनाते तो एक आंसर तो सटाक से मिल जाता। अब आप जादू देखिए आईआईटी के हॉल में यूज करने के लिए, क्योंकि ये तो सब लोग पढ़ा देंगे मगर बेचारे यहां तक नहीं सोच पाते। अब ध्यान से सुनिए इस लाइन के बारे में, क्योंकि आईआईटी ये पूछेगी भी नहीं, उसे मालूम है कि तुम आंखों आंखों में निकाल सकते हो। इसकी इक्वेशन क्या हुई, x बराबर सेवन, स्लोप इन्फिनिटी है तो कैसे पुट करूंगा, वेरी गुड, y माइनस फोर इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो एक्स माइनस सेवन, और जीरो सामने चला गया, ये रही, x माइनस सेवन बराबर जीरो। सुनना बड़े गौर से, आईआईटी आपको तीन चार ऑप्शन देगी, सेवन कोमा फोर से जाने वाली ही होगी चारों लाइनें, क्योंकि बच्चा सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक में चेक क्या लगाता है, दूसरी कोचिंग वाले की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सेवन फोर सेवन कोमा फोर चेक करके देख लो। तो चार ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन की खास बात यह होगी कि 7.4 को चारों सेटिस्फाई करेंगे। अब ए ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है, जनरली बच्चे ने स्लोप निकाला 5/12, तो वो चार ऑप्शन में इक्वेशन कुछ ऐसी लिखेंगे कि जैसे 5x प्लस 12y इज इक्वल टू कुछ वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, दूसरी होगी 12x प्लस 5y इज इक्वल टू कुछ, तीसरी होगी 5x माइनस 12y इज इक्वल टू कुछ, और अगला क्या होगा 12x माइनस 5y इज इक्वल टू कुछ। तो उन्होंने कंफ्यूजन कहां क्रिएट किया, स्लोप को पुट करने में कोई बच्चा गलती कर दे। अब मेरा स्टूडेंट क्या करेगा, सॉल्व ही नहीं करेगा, मेरा स्टूडेंट फोटो बनाएगा। अब जरा देखिए, ये ऊपर जा रही है मतलब स्लोप कैसा, पॉजिटिव, किन किन का स्लोप पॉजिटिव है, सी डी खारिज खारिज। अब होल्ड, ये चार है, ये चार है, चेहरे साथ रहा, थ्री कोमा, तो एक दो तीन और ये क्या, ये चार, और यदि ये लाइन एसी जा रही होती तो स्लोप क्या कहलाता, प्लस वन, ये ऐसी हो गई, इसका मतलब स्लोप कैसा है, वन से कम, खेल खत्म, इसका वन से कम कि इसका वन से कम,
बात खत्म हो गई, आपका टिक लग चुका। तो मेरी शॉर्ट ट्रिक वो नहीं होती कि वैल्यू पुट कर दो, मगर मैं इसका डिस्कशन आखिरी दिनों में करता हूं। पहले मैं जेन्युइन से खाऊं, पूरे साल भर अच्छे से तैयारी हो, आखिरी में अपन ब्रह्मास्त्र चलाते हैं कि नालायक का भी सिलेक्शन हो जाए। इस कंसेप्ट को भी लिखिए। ये जो शॉर्ट ट्रिक बैच की जो शीट है ना, इसलिए आप इकट्ठी करके रखो, क्योंकि अगले साल आपके बैच में नई शीट बनेगी। ये नहीं दूंगा, मगर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बाकी रह गया। कौन सा होमवर्क दिया आपको? क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट? इसका मतलब आपको इसको थोड़ी देर के लिए पी मान लो, तो ये ए हुआ और ये क्या हुआ? बी। आपको ए और बी ढूंढना है। ए तो मैंने ढूंढ ही दिया, इसलिए फिगर बनाना चाहिए। लिखा है ना फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आल्सो, तो आपको ए ढूंढना है, बी ढूंढना है। ए मैंने ढूंढ दिया, अब बी आपकी क्रिएटिविटी मैंने सिखाया नहीं है, मगर आप करके लाते हो तो आप काबिल हो। क्या हो? काबिल। ऋतिक रोशन की फिल्म आ रही है ना, काबिल हो, काबिल। इलेक्ट्रिक का बिल, टेलीफोन का बिल है, रेस्टोरेंट का बिल, काबिल काबिल। अब मुझे आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है भाई। अटेंडेंस कौन सी अटेंडेंस? कल कौन कौन चलेगा उसकी? तो बाकी लोग निकल जाओ, जिनका कल की उम्मीद है वो अपना रजिस्टर लेकर आओ। टोटल क्वेश्चन की संख्या, एक मिनट सभी लोग रुके रहो, मुझे जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया वो भग जाओ, जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है वो एक मिनट रुको, बुक बाहर निकालो, मुझे क्वेश्चंस की टोटल संख्या बताओ। 96। तो इसका 10% हुआ 10, नहीं 9, 10 नहीं 9.6, तो 20% हुआ 19.2 माइनस 19 कितना हो गया? कितों के 77 है, उनको सॉल्यूशन मालूम है, कारण मालूम है, और 77 या 77 से ज़्यादा है। तो रुको और सबसे पहले बहन बेटियां ले आओ, और मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा। आपका टाइम बिगड़े तो घर चले जाओ, कल मेरा बिल बचेगा। शॉर्ट ट्रिक, बुक लाओ दीदी, उसके बिना मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, अब हुई बुक गंदी, नहीं तो इतने दिनों तक तो वो क्या घूंघट में ही रखी थी संभाल के, उसको बाहर ही नहीं निकाल रहे थे। बेचारी बड़ी दुखी हो रही थी कि मेरा कोई यूज भी नहीं कर रही है। 85 कर डाले। अरे मुझे पहले गिनवाओ तुम लोग सच भी बोल रहे हो कि नहीं। हाँ 96 में 6 और 19 25 और 9 25 और 27 50 52 और 6 58 59 और 7 66 96 सही है। अच्छा ये बन रहे थे कि टीप ने पड़े पीछे से? तो मतलब मैं अच्छी मेज पढ़ा लेता हूँ। पेन दे जाओ दीदी, कल ले लेना। हाओ दूसरी बहन बेटी लाओ भाई। और कितने कर डाले? 90 हो गए। 96 है ना, बन रही है मैथ्स। कब बैठ के करे घर में ये? तो घर में पढ़ रहे थे तो माँ बाप क्या बोले? तो पार्टी मिलेगी ये बताया? फिर पागल हो गया है। नया फ्रेश रजिस्टर ले लेना अगली क्लास में, बड़ा। ये पूरा ही है क्या? लार्वा वाला, ये किसकी बुक थी? हाँ ने बुक ली, लाओ लाओ दिखाओ। क्या नाम दीदी का? बने? हाँ ना, हो गया ना। कल मगर के ना कॉपी भी लेकर आना, व्हाट्सएप तो देख लिया, पन्ने भी पढ़ाई करी।
क्या बोले पेरेंट, लगे आज बच्चा पढ़ क्यों रहा है, क्या बात कर रहे हो, ले ओ मैडम से बाहर से। अरे ऐसे कैसे नहीं है कि ना, आप फोटोकॉपी का ऑर्डर दीजिए, ये पूरे हैं क्या? हाँ पहले JEE मेन किया करो, वो सरल होते हैं, फिर टफ एडवांस। कितने हैं? अच्छा गिनने से बरकत नहीं रहती है, ये पूरा तो एक ही दिन में झटके में कर डाला गया। कितने क्वेश्चन है? क्या नाम भैया? यहाँ से कहाँ तक है? तुम भी घर में पढ़ रहे थे, क्या बोली मम्मी? मगर अब एक रजिस्टर अलग कर लो। नहीं नहीं 6:30 पे लकी छोड़ेगा, और तुम लोग बस इधर कहीं आ जाना है और अपन पैदल चलेंगे सर। अब खाना जितनी देर में तुम खा सको यार, पन्नी वन्नी ले आना। कोरे भी गिनवा रिया। अब एक ही कॉपी में करना है ना। क्या नाम? तुमने उसको बताया बड़े भाई को सुहाग सर की स्कीम? नहीं अब रफ पेज नहीं मानूंगा अगली बार से। हाँ अगली बार, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं मानेंगे अब। आज टाइम कम पड़ गया, अगली बार क्लास शुरू होगी तब करेंगे। पूरी किताब कर डाली गई तो अब ये तो भर गई ना। ये क्या? हाँ अलग बना, नहीं इस 39 ईयर के लिए, जिससे कि अपन एक साल बाद कोई क्वेश्चन का खुद का सॉल्यूशन ढूंढना चाहें तो देख सके, क्योंकि अपने सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छे होंगे उस बुक के सॉल्यूशन से। लो सिर्फ 12, तो कल मेरे को 85 गिना दो तुम।